आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुंडेरवा नगर पंचायत में श्री श्री महाकाली मंदिर समिति के तत्वाधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें राम लखन सीता और हनुमान जी की दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से दीपू अग्रहरी, नीरज जायसवाल, जयप्रकाश जायसवाल, प्रवीण जायसवाल, विजय रंजन तिवारी, सुधीर कुमार पांडे, अजय पांडे, प्रमोद मोदनवाल, अमरीश सोनी, निरंकार सैनी, अतुल अग्रहरी, आकाश जायसवाल, अजय अग्रहरी, नरोत्तम मिश्रा उर्फ पट्टू बाबा, सूरज जायसवाल, पप्पू मोदनवाल, दुर्गा का सौधन, अमित जायसवाल, सतीश दुबे, मंदिर के पुजारी सुरेश चंद पांडे, गुलाब जायसवाल, पंकज जायसवाल के साथ हजारों की संख्या में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो काली मंदिर से ब्रह्म बाबा स्थान होते हुए मिलगेट तिराहा पावर हाउस तथा मिल मंदिर होते हुए पूरे मुंडेरवा नगर पंचायत में भ्रमण करते हुए महाकाली मंदिर पर महाआरती का आयोजन कर शोभा यात्रा का समापन किया गया। चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। सर आपका शुभ नाम? दीपू जी। क्या उद्देश्य है सर इस शोभा यात्रा का? आज हमारे अयोध्या में राम मंदिर जी 504 वर्षों बाद जो है उनका विराजमान हुआ है जी, उनका आगमन हुआ है जी। उस खुशी के उत्सव में हम लोग पूरे मुंडेरवा की हर एक जनता मिलजुल के खुशी का उल्लास मनाई है जी। जी जगह जगह भंडारा हो रहा है, फिर शोभा यात्रा निकाली गई, फिर अभी ये शोभा यात्रा कहाँ से लेकर कहाँ तक निकाली गई है? ये काली मंदिर से लेके हनुमानगढ़ी, पुरानी हनुमानगढ़ी, फिर पावर हाउस, उसके बाद होते हुए फिर काली मंदिर पे आई जी। अच्छा, कितने लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए? लगभग 1000+ ही होंगे। 1000 के आसपास, 1000 के आसपास लोग सम्मिलित थे जी। और अब यहाँ समापन हो जाएगा जी। जी, यहाँ महाआरती अभी होगी 5 बजे, 5:30 बजे जी। फिर उसके बाद महाआरती होने के बाद महाप्रसाद वितरण होगा और उसके बाद संपन्न हो जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आइए हम इसी बात करें। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।